हेलो गाइस, दिस इज प्रीति हियर। सो आज हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2। लेट वी स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। ट्रू फॉल्स है यहाँ पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी के सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे? सो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो रियल नंबर होते हैं ये किस किस का सेट होते हैं? रैशनल और इरेशनल नंबर का। सो इरेशनल भी रियल नंबर होते हैं एंड रैशनल भी रियल नंबर होते हैं। सो इसका आंसर आएगा ट्रू। एवरी इरेशनल नंबर is a real number because real number is a set of rational and irrational। So this is our first question. So second question is, every point on the number line is a form root m, where m is a natural number। जब हम number line draw करते हैं तो हमारे पास जो numbers होते हैं तो हम उनको क्या लिखते हैं? root m की form में लिख सकते हैं, लेकिन किस number को? हम positive integers को। means हमने जैसे one हो गया, one को हम लिख सकते हैं रूट वन। टू हो गया, हम इसको टू को लिख सकते हैं रूट फोर। ऐसे अगर हमारे डेसिमल्स, रैशनल नंबर, फ्रैक्शंस ये हुए जो पॉजिटिव होते हैं तो उनको हम क्या लिख सकते हैं? रूट एम की फॉर्म में। मीन्स थ्री हुआ तो रूट नाइन लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास नंबर लाइन में कुछ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, हम उनको रूट एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि हमारे पास माइनस टू है तो हम इसको रूट एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ पे क्या आ जाता है? माइनस का साइन आ जाता है। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, बिकॉज अदर टाइप ऑफ नंबर आर ऑल्सो ऑन द नंबर लाइन। सो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कह रहे हैं कि सभी के सभी जो रियल नंबर होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। जैसा कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है कि रियल नंबर जो होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। मीन्स रियल नंबर रैशनल भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इसके सभी के सभी रियल नंबर इरेशनल ही होंगे? कि क्या रियल नंबर इरेशनल होंगे? इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। सो आंसर इज फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ लेट वी स्टार्ट विथ सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन इज, आर द स्क्वेयर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर के जो स्क्वेयर रूट होते हैं, मीन्स स्क्वेयर रूट किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के, क्या वो इरेशनल नंबर होते हैं? एंड इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो जो भी हमारे पास स्क्वेयर रूट में जो आंसर आएगा वो क्या इरेशनल होगा? जैसे कि हमारे पास यहाँ पे रूट थ्री है, रूट थ्री को हम इरेशनल बोल सकते हैं। लेकिन
सभी के सभी हमारे जो स्क्वेयर रूट्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के वो इरेशनल नहीं होते, बिकॉज रूट फोर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, टू के इक्वल होता है, टू हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर, एंड टू इज अ रैशनल नंबर्स। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है शो दैट शो हाउ रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आपको पता है कि रूट फाइव जो होता है इरेशनल नंबर होता है, तो हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको एक राइट एंगल की थ्योरम बताती हूं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, एबीसी हमने ले लिया राइट एंगल ट्राइंगल, बी पे हमारा है 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूस, एंड एबी एंड बीसी हमारे क्या होते हैं परपेंडिकुलर एंड बेस, या तो हम इसको बेस ले सकते हैं या फिर हम इसको परपेंडिकुलर या इसको परपेंडिकुलर इसको बेस, इसकी कोई कंपल्शन नहीं है कि ये ही परपेंडिकुलर और बेस होगा। सो इसके अंदर क्या है, पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि एच स्क्वेयर जो होता है किसके इक्वल होता है, वो पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो हमने ये थ्योरम अप्लाई करनी है। तो हमारे पास यहाँ क्या है, रूट फाइव है, तो हमने ये जो रूट फाइव है अगर हम इसको सोल्व करके देखते हैं, जैसे कि स्क्वेयर रूट्स निकालते हैं, तो हमने फाइव से स्मॉलर नंबर लेना है कि सेम नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास या तो फाइव आए या फिर फाइव से छोटा नंबर आए। तो जैसे कि हमारे पास वन 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 है, छोटा नंबर है, टू टू जा फोर है, ये छोटा नंबर है, नेक्स्ट अगर हम थ्री थ्री जा नाइन लिखेंगे तो नाइन हमारा बड़ा नंबर हो जाता है, तो हमने क्या लेना है, टू टू जा फोर, ये आ जाएगा वन, तो आगे ये प्रोसीड होगा। हमने सिर्फ ये देखना है कि जो हमारा ये आंसर आता है तो ये जो टू है हमारा ये क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। सो हमने यहाँ पे नंबर लाइन्स पे नंबर लिखने हैं माइनस वन माइनस टू, तो हम फाइव रूट फाइव को क्या लिखेंगे, टू स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर, ये आ जाएगा रूट। इसको ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज टू का स्क्वेयर फोर प्लस वन का स्क्वेयर वन, एंड फोर प्लस वन क्या हो जाएगा हमारा फाइव। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे हमने अपने बेस और परपेंडिकुलर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। तो मैंने इस पॉइंट को ले लिया ओ, और हमारा जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा हमारा टू, मीन्स हम इसको लेंगे ओ बी, ओ बी हमारे पास क्या आएगा टू, एंड जो हमारा परपेंडिकुलर होगा हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास ये ओ बी क्या आ गया, बेस आ गया, देन हमने यहाँ पे क्या लेना है परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर की लेंथ होनी चाहिए वो क्या हो जाएगी वन, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया ए पॉइंट, तो ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू वन यूनिट। तो हमने क्या ले लिया ये वन एंड ये टू। अब हमने क्या करना है, ओ और ए को क्या कर देना है, मीट कर देना है, तो ये हमारे पास है ओ ए, ओ ए हमारा है रूट फाइव, लेकिन हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। हमने क्या लेना है, कंपास लेना है, ओ पे पॉइंट आउट करके हमने ओ ए के इक्वल यहां पे एक आर्क लगानी है, जो ये आर्क आएगी ये क्या आ जाएगी ओ सी, तो जो हमारा ये सी पॉइंट होगा, तो जो ये सी होगा वो क्या होगा हमारा रूट फाइव। तो ये था हमारा रूट फाइव। सो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर, ये आ जाएगा रूट, ओ बी स्क्वेयर इज टू स्क्वेयर एंड ए बी इज वन स्क्वेयर वन यूनिट। तो हमने यहाँ पे कट ऑफ ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, देन वी गेट सी इज इक्वल टू रूट फाइव।
सो हमारे पास ये जो रूट फाइव इरेशनल नंबर है ये हम सी इसको रिप्रेजेंट करेंगे. सो सी रिप्रेजेंट द रूट फाइव. सो हमारा था ये थर्ड क्वेश्चन. लेट गेट स्टार्टेड विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमने, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वेयर रूट स्पाइरल. तो यहाँ पे हमने स्क्वेयर रूट स्पाइरल कंस्ट्रक्ट करना है लाइक दिस. तो आपके बुक में क्या होगा, ओपी वन. तो ओपी वन हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट टू, रूट थ्री, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा रूट फोर एंड सो ऑन. तो हमने क्या करना है, रूट टू से स्टार्ट करना है. तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जीरो वन टू सो ऑन. बिकॉज मैंने यहाँ पे थोड़ा गैप बड़ा बड़ा लिया है ताकि यहाँ पे हमारे पास अच्छे से डायग्राम बने. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने रूट टू को स्टार्ट करना है. तो आपको पता है कि अगर हम रूट टू सोल्व करते हैं तो वन वन मतलब वन पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आता है. तो हमने क्या लेना है, तो बेस क्या लेना है, वन लेना है. तो हम रूट टू को क्या लिख सकते हैं, वन स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर. तो हमारा बेस भी क्या होगा, वन होगा एंड परपेंडिकुलर भी वन होगा. तो हमने क्या करना है, बेस वन है तो हम वन पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे वन यूनिट का. हमने मींस वन सेंटीमीटर यहाँ पे हमने क्या लेना है, बेस, एंड वन सेंटीमीटर मींस परपेंडिकुलर जो है इस पे वन ही लेना है. देन इसको क्या कर देना है हमने, मीट ओ टू पी वन. तो हमारे पास जो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा रूट टू. तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रूट थ्री फाइंड करना है. तो हमने क्या करना है, जो ये हमारे पास ओ पी वन लाइन है इस पे मैंने वन यूनिट का 90 डिग्री का एंगल बनाना है और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है. तो ये मेरे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा वन यूनिट मीन्स वन सेंटीमीटर का होगा. तो हमने क्या करना है, इसको नाम देना है पी टू, देन ज्वाइन ओ टू पी टू. ठीक है, ओ पी टू को हमने ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट थ्री. ऐसे से हमने स्टार्ट करना है. अगेन हमारे पास जो ये ओ पी टू है इस पे फिर से हम एक सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट इज पी थ्री, सॉरी पी थ्री. सो हमने फिर क्या करना है, ज्वाइन करना है ओ को पी थ्री से. तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट फोर. आगे आगे हम प्रोसीड करते रहेंगे. ओ पी थ्री पे हमने फिर से क्या बनाना है, परपेंडिकुलर वन सेंटीमीटर का. फिर से हम क्या कर देंगे, इसको नाम देंगे पी फोर और इसको हमने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है पी फोर के साथ. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट फाइव. ऐसे से अगर हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, रूट सिक्स. एंड फिर से अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट सेवन. ऐसे से हम कंटिन्यू करते चलेंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट स्पाइरल तैयार हो जाएगा. सो ये थी हमारा फोर्थ क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस. सो थैंक यू.